साधना के लिए ये एक प्रिविलेज की बात है कि आज के इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसको कंक्लूड करने के लिए, इसकी वेबसाइट लॉन्च करने के लिए, इसके लोगों का फर्स्ट प्राइज डिक्लेयर करने के लिए श्री मधुर भंडारकर विशेष तौर पर मुंबई से यहाँ आए। भारतीय चित्र साधना एक पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट है। इसके ट्रस्टीज का ये मानना है कि इस देश में शॉर्ट फिल्म्स के क्षेत्र में, डॉक्यूमेंट्रीज और एनिमेशन के क्षेत्र में भारतीय संस्कृति और राष्ट्रवादी विचारों को रिप्रेजेंट करने के लिए ये एक बहुत बड़ा मीडियम है। इस देश को जो जो चाहिए, इस देश की संस्कृति से जो जो पैदा होता है, इस देश का जो मूल विचार है, उसको फिल्म जीवन में एक बड़ा स्थान मिले और देश भर में जो फिल्म कर्मी है, जो पहले से एस्टेब्लिश है वह, और जो यूनिवर्सिटीज में, कैंपसिस में, फिल्म इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं वह, उन दोनों को हम वाणी दें, स्थान दें और धीरे धीरे एक हम इंस्टीट्यूशनल इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करें जिसमें ऐसे लोगों को एक सबस्टेंशियल सपोर्ट दिया जा सके। 2 साल पहले इंदौर में हमने शॉर्ट फिल्म्स का अपना पहला फेस्टिवल किया था। वो हमारा फर्स्ट एफर्ट था, तो उसमें 8 राज्यों से नीचे 309 लोग, 309 एंट्रीज उसमें आई थी। हमारे लिए आनंद की बात थी कि उसमें भी मधुर भंडारकर जी पधारे थे, विवेक अग्निहोत्री जी, मुकेश तिवारी जी, राहुल रवेल, मनोज जोशी, विनोद मानकर, राजदत्त जी, ऐसे बड़े लोगों का। और उसके बाद में जो पूरे देश से हमको लगा कि इसका रेस्पॉन्स मिल रहा है, तो हमने इस बार का फेस्टिवल 16 से 18 फरवरी को दिल्ली में करने का तय किया है। यह सीरी फोर्ट में होगा और इसमें 4 कैटेगरीज होंगी: शॉर्ट फिल्म्स, डॉक्यूमेंट्रीज, एनिमेशन और इसके अलावा कैंपस के लिए। देश में एक बड़ा कैंपेन लॉन्च करेंगे जिसमें देश के हर बड़े शहर में फिल्म एप्रिसिएशन कोर्सेज करेंगे, कैंपसेस में और खास तौर पे फिल्म इंस्टीट्यूट्स में जाकर के इसके बारे में बता करके एंट्रीज को इनवाइट करेंगे और 1-2-3 साल में 4 साल में यह भारत की शॉर्ट फिल्म्स का द फेस्टिवल हो जाए, इतना बड़ा स्टेटस एक्वायर करने का एफर्ट करें।